दोस्त, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौर और आज हम अपने हिस्ट्री के अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है द गुप्ता एम्पायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द एज ऑफ गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि आप एक बहुत ही प्लीजेंट फोटोग्राफ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जिसमें भी क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही दौर था गुप्तास का, जब भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब भारत में चारों तरफ सोना ही सोना बरसता था। तो आइए हम जाने कि वो क्या क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल कंडीशंस थी जिनके चलते गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा गया। ठीक है, गुप्ता पीरियड को हम जब पढ़ेंगे और उसके गोल्डन एज को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम इन दो तीन आस्पेक्ट्स के आधार पर काम करेंगे। सबसे पहला आस्पेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्तास, दूसरा है क्रिएशन ऑफ लिटरेचर इन गुप्तास, और तीसरा है आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड। देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री हर दौर की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता ही है, लिटरेचर्स गुप्ता पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि एंशियंट इंडिया की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको लिटरेचर से ही मिलती, और गुप्ता पीरियड के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमको लिटरेचर से मिलती है वो ना सिर्फ गुप्ता पीरियड की मिलती है बल्कि उसके पहले के पीरियड की भी काफी इंफॉर्मेशन हमको इन लिटरेचर से पता चलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यही वो लिटरेचर्स हैं जो एविडेंट है इस बात का कि क्या गोल्डन एज आई थी गुप्ता एम्पायर के अंदर। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एज। देखिए, कोई भी एम्पायर का आर्किटेक्चर बहुत बड़ी बातें करता है उस एम्पायर की, उस हिस्ट्री के बारे में। यानी कि जितना ग्रैंड आर्किटेक्चर होगा, जितना बड़ा आर्किटेक्चर होगा, जितना ज्यादा आर्किटेक्चर होगा, जितना डेलिकेट आर्किटेक्चर होगा, माइन्यूट होगा, यानी कि उसके कारीगर उतने ही अच्छे थे। और कारीगर कब अच्छे से काम कर पाते थे? जब उनको रूलर्स पैटर्नेज प्रोवाइड करते थे। और रूलर्स पैटर्नेज कब प्रोवाइड करते थे? जब उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती थी। तो आर्किटेक्चर डायरेक्टली इंडिकेट करता है कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन दैट पीरियड। और गुप्ता एज के बारे में जब हम गोल्डन एरा की बात करते हैं तो ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जिनके चलते गुप्ता एज को एक गोल्डन एज कहा जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, दूसरा लिटरेचर्स यानी कि विद्वानों को, स्कॉलर्स को प्रशय मिलता था, उनको पैटर्नेज मिलता था। ये पैटर्नेज प्रोवाइड करते थे कौन? रूलर्स। और इन्हीं के पैटर्नेज से कई स्कॉलर्स ने एक से एक ग्रंथों की रचना करी, ना सिर्फ रोमांटिसाइज लिटरेचर्स बल्कि साइंटिफिक और मैथमेटिकल क्रिएशन भी उस वक्त हुए जो आगे हम देखेंगे। और फिर तीसरी बात मैंने आर्किटेक्चर की करी। तो जब इतने सारे एस्पेक्ट्स किसी दौर में बहुत अच्छे होते हैं तो उसे गोल्डन एज कहा ही जाएगा। आइए हम एक एक करके इन एस्पेक्ट्स को आगे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्तास। देखिए, ज्यादातर हिस्टोरियंस जब गुप्तास के ओरिजिन की बात होती है तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली गुप्तास का ओरिजिन ट्रेडर बैकग्राउंड से हुआ था, वैश्य कम्युनिटी से हुआ था। फिलहाल हम इनके ओरिजिन के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट हम याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस हैव अग्रीड टू दिस पॉइंट दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम वैश्य कम्युनिटी। पूर्वी भारत के अंदर कोई ऐसा ग्रुप रहा होगा, कोई ऐसा कम्युनिटी या कोई ऐसा बड़ी फैमिली रही होगी जो इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पेरस होगी, और उसी इकोनॉमिकल प्रोस्पैरिटी के चलते धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मिलिटैरिली स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया होगा। और जब वो मिलिटैरिली स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे तो उन्होंने ग्रेजुअली अपनी प्रिंसिपैलिटी एस्टैब्लिश करी होगी। फिर इस फैमिली में आगे कुछ ऐसे सक्सेसर्स आए जिन्होंने इस छोटी प्रिंसिपैलिटी को बहुत बड़े इलाके तक फैला दिया, और इस तरह से एक ट्रेडिंग फैमिली, एक रूलिंग फैमिली बन गई। आगे बात करेंगे तो हमको इंस्क्रिप्शनल इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर है दैट इज श्रीगुप्त, द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज श्रीगुप्त। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कुछ फैक्ट्स याद करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हमें हमेशा याद रखना होगा
कि पहला रूलर किसी भी डायनेस्टी का कौन था, खास तौर पे अगर वो डायनेस्टी कोई ग्रेट डायनेस्टी, तो आपको हमेशा याद रखना होगा पहला रूलर कौन था, भले ही वो रूलर कोई बहुत सेलिब्रेटेड रूलर ना हो, लेकिन फर्स्ट हमेशा याद रखा जाता है श्री गुप्त। कोई छोटी मोटी प्रिंसिपैलिटी के रूलर रहे होंगे, इन्होंने इस ट्रेडिंग फैमिली को एक रूलिंग फैमिली में कन्वर्ट कर दिया होगा, और उसके बाद उनके बाद सक्सीड करता है उनका बेटा घटोत्कच गुप्त, जो अगेन कोई सेलिब्रेटेड रूलर नहीं था, लेकिन एक सेलिब्रेटेड रूलर के लीनियज का दूसरा रूलर था। और इसके बाद इनके बाद जो अगले रूलर आते हैं, वहां से गुप्तास की हिस्ट्री का वो शाइन शुरू होता है जो अल्टीमेटली गोल्डन एज तक लेके जाएगा। और ये नाम आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पहले पढ़ा सुना होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। जी हाँ, चंद्रगुप्त, ये नाम आपने मेरे लेक्चर्स में भी पहले सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा अगर वो मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त है तो उसके नाम के आगे हमेशा मौर्य रहेगा, अगर वो गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त है तो फिर उसके नाम के आगे फर्स्ट या सेकंड रहेगा ही रहेगा, और इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चंद्रगुप्त की बात हो रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की, देखते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे थे और क्यों हम ये कह रहे हैं कि यहां से गोल्डन एज की शाइन शुरू हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं, ही वाज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जैसे कि अभी हमने बात करी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, याद रखने वाला है फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट ही इंक्रीज दिस पावर एंड प्रेस्टीज बाय अ मैट्रिमोनियल अलायंस। देखिए क्या होता था कि चंद्रगुप्त के दौर में मैट्रिमोनियल अलायंसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, इसके द्वारा इसके थ्रू किन्हीं दो किंगडम्स के बीच में एक पॉलिटिकल अलायंस बन जाया करता था, और वो तो दो किंगडम्स मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो जाते थे, और यही यहाँ पे चंद्रगुप्त ने किया कि उन्होंने वृज्जी किंगडम, जिसके बारे में मैंने आपको महाजनपद में भी बताया था कि किंगडम हुआ करता था समवेयर अराउंड द बॉर्डर ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ बिहार एंड नेपाल, इस वृज्जी किंगडम की राजकुमारी जिनका नाम कुमार देवी था उनसे मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, और इसी मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते इनकी पावर और प्रेस्टीज दोनों बढ़ गई, क्योंकि वृज्जी के क्षत्रिय बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते थे और इन वृज्जी के क्षत्रियों को लिच्छवी कहा जाता था, और ये लिच्छवी क्षत्रिय इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करना ये प्रेस्टीज भी बढ़ाता है चंद्रगुप्त की और उसकी पावर भी बढ़ाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच चंद्रगुप्त को वो कॉन्फिडेंस पावर प्रेस्टीज रिसोर्सेस मिली इस मैट्रिमोनियल अलायंस से, जिससे उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू किया, और जो किंगडम अभी मगध के छोटे से इलाके में लिमिटेड था उस किंगडम को उन्होंने आगे फैला दिया बड़ी दूर के इलाकों तक, एज फार एज अप टू प्रयाग ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का, चंद्रगुप्त फर्स्ट के दौर का मगध का एम्पायर था, ये अभी गुप्ता एम्पायर नहीं बना था, ये एक किंगडम था, एक बार फिर मगध का ही एक्सपेंशन हो रहा था, और ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था वृज्जी किंगडम से, जिसके बाद इन्होंने अपनी किंगडम अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू किया प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाके तक, और एक बड़ा टाइटल अज्यूम किया महाराज अधिराज। महाराज अधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, बहुत सारे राजाओं का राजा, यानी कि यहां पे हमको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि इनका एम्पायर डिसेंट्रलाइज्ड था, डिसेंट्रलाइज्ड, जिस तरह से हमने मौर्यंस की बात करी थी कि मौर्यंस का एम्पायर सेंट्रलाइज्ड था, एक ही रूलर होता था, उसी का लॉ होता था और उसके सबॉर्डिनेशन में कोई नहीं होता था पूरे एम्पायर में, लेकिन यहाँ पे गुप्ताज जीते हुए इलाके को रूल करने के लिए छोटे मोटे सबॉर्डिनेट रूलर्स को दे दिया करते थे, तो यहां पे इसीलिए एक टाइटल अज्यूम करते हैं महाराज अधिराज, यानी कई राजाओं के राजा,
मतलब इनके अंडर में भी कई राजा थे, यानी कि इंडिकेशन मिल रहा है हमको डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया था और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र में थी। तो जो गुप्ता की ग्लोरियस हिस्ट्री है, इस ग्लोरियस हिस्ट्री का प्लेटफॉर्म यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्रिएट कर दिया था, जो रूल करते हैं 319 एडी से लेकर 335 एडी तक। इनकी डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर के अगले रूलर आते हैं जिनका नाम समुद्रगुप्त है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, नॉट ओनली दिस डायनेस्टी बट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। एक शानदार वॉरियर, एक शानदार बैटलफील्ड कमांडर, जिन्होंने अपनी लाइफ के बड़े हिस्से में बहुत सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में विजय प्राप्त करी। इनका सक्सेस, इनकी विक्ट्रीज कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने इनको कंपेयर किया है नेपोलियन बोनापार्ट से, जो कि एक यूरोपियन कॉन्करर था, और इसीलिए किताबों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि एक तो समुद्रगुप्त पहले हुए थे, तो अगर कंपैरिजन हो ही रहा है तो नेपोलियन को कहा जाना चाहिए कि ही वाज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। और फिर भी अदरवाइज भी अगर कंपेयर करें इस फैक्ट के अलावा भी, तो भी हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट ज्यादा रही थी और शॉर्ट लिव्ड नहीं रही थी, जबकि नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हार गए थे एंड में, ये हारे नहीं थे। लेकिन फिर भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कॉन्क्वेस्ट रही थी, इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है, एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति एंड एरन इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति एंड एरन इंस्क्रिप्शन, पहले प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे। प्रयाग, जो कि अर्स्टवाइल अलाहाबाद को कहा जाता था, और इसी प्रयाग के अंदर हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, वो उसी इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, या उसे इंग्लिश में अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये इंस्क्रिप्शन लिखी थी इनके कोर्ट पोएट जिनका नाम था हरिशेन। जी, हरिशेन वो कोर्ट पोएट थे जिन्होंने अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखी थी। और ये इंस्क्रिप्शन थी क्या, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रशस्ति, दैट इज समथिंग रिटन इन द अप्रिसिएशन ऑफ। तो ये अप्रिसिएशन में लिखी गई थी समुद्रगुप्त के, और इसमें लिखा हुआ था, इससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ना सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में बल्कि उनके पहले के रूलर्स के बारे में भी, जैसे इनके फादर के बारे में जो हमने बात करी चंद्रगुप्त, उससे पहले उनके दादाजी, उनके ग्रैंडफादर घटोत्कच, और उससे भी पहले श्रीगुप्त, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, इनकी इंफॉर्मेशन हमको इस प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में हमको प्रयाग प्रशस्ति में क्या पता चलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको प्रयाग प्रशस्ति में ये पता चलता है कि ये बड़े कॉन्करर थे और इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बड़ा एक्सपेडिशन छेड़ दिया था कॉन्क्वेस्ट का। इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के 9 राजाओं को, 9 वॉरियर क्लैंस को डिफीट किया था, साउथ इंडिया के 12 राजाओं को डिफीट किया था, ट्राइबल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के जंगल के इलाकों में रहने वाली कई ट्राइब्स को डिफीट किया था, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ रूलर्स को डिफीट करके अपने सबॉर्डिनेशन में मिलाया था। यानी कि ऑलमोस्ट सबकॉन्टिनेंट के 3/4 हिस्से की कॉन्क्वेस्ट इन्होंने करी थी, और इसी के साथ ये सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बन गई। देखिए, हमने देखा था चंद्रगुप्त फर्स्ट के दौर में भी ये जो एम्पायर था ये कहां तक फैला हुआ था, सिर्फ यहां तक फैला हुआ था, इसे एम्पायर नहीं कहेंगे, ये तो एक किंगडम हुआ। लेकिन इस किंगडम को एम्पायर किसने बनाया, ये एम्पायर बनाया इसको समुद्रगुप्त ने। लेकिन एक बात हमको यहां पे ध्यान रखनी होगी कि साउथ इंडिया के रूलर्स को समुद्रगुप्त ने डिफीट किया, उनके टेरिटरी से टैक्सेस वसूल किए, प्लंडर भी किया होगा उनकी टेरिटरी को, लेकिन उनको एनेक्स नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर कब्जा नहीं किया,
क्यों नहीं किया कब्जा? जियोग्राफिकली थोड़ा मुश्किल होता था दक्षिण भारत के अंदर एक रूल कायम रखना जहां पर कि कैपिटल आपकी नॉर्दर्न इंडिया में हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी, जियोग्राफिकल डिफिकल्टीज होती थी, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक डिफिकल्टीज होती थी और भी दूसरी कल्चरल डिफिकल्टीज होती थी, जिनके चलते नॉर्दर्न इंडिया के रूलर्स ज्यादातर सदर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट नहीं करते थे या सदर्न इंडिया के रूलर्स ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया की तरफ नहीं एक्सपेंशन करते थे, क्योंकि ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे उस वक्त जो बड़ा मैटर करते थे। और इसीलिए समुद्रगुप्त ने जीता तो सही लेकिन लूट के और पैसा लेके दक्षिण को छोड़ दिया, पर नॉर्दर्न इंडिया के सारे इलाकों को उन्होंने एनेक्स किया और इस तरह से गुप्ता एक बड़ा एम्पायर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा था इंग्लिश स्कॉलर विंसेंट स्मिथ ने। लेकिन एक और बात हमें पता चलती है समुद्रगुप्त के बारे में कि ये ना सिर्फ एक अच्छे वॉरियर थे लेकिन ये आर्ट्स की तरफ भी बहुत रुझान रखते थे, एंड दैट इज एविडेंट बाय हिज गोल्ड कॉइंस। इनके बहुत सारे सोने के सिक्के थे। गुप्तास वेयर द रूलर्स हु इशूड लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ गोल्ड कॉइंस। इंडो ग्रीक्स वेयर द रूलर हु इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइंस इन इंडिया। कुशांस वेयर द रूलर हु इशूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइंस इन इंडिया। एंड गुप्तास वेयर द रूलर हु इशूड लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ गोल्ड कॉइंस इन इंडिया। सबसे ज्यादा संख्या में इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। और इनके गोल्ड कॉइन्स हमको कहां से मिलते हैं, आगे क्वेश्चन आंसर्स में हम डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल हम ये देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हमको मिलते हैं किस, और वो सारे अलग अलग टाइप के गोल्ड कॉइन्स हमको मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के गोल्ड कॉइन्स हमको समुद्रगुप्त के हासिल होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, स्टैंडर्ड टाइप जिसमें कि एक राजा सिंहासन पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, सब कॉइन्स के अंदर डिपेक्ट हो रहा है। मैंने एक दिन आपसे बात करी थी और कहा था कि न्यूमिस्मैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री के स्टडी में, और न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन्स का स्टडी होता है। तो जो राजा अपने कॉइन्स छोड़ के गए या जिनके कॉइन्स हमको मिले, वो कॉइन्स उनकी हिस्ट्री को जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसलिए हम इनके कॉइन्स की बात करेंगे। दूसरा टाइप हमको मिला इनके कॉइन्स का, आर्चर टाइप ऑफ कॉइन्स, यानी कि धनुष चलाते हुए। तीसरा टाइप ऑफ कॉइन्स हमको मिले ल्यूट प्लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स या लायर प्लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स, जिसका मतलब है वीणा वादक, यानी कि वीणा बजाते हुए। भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे रूलर्स रहे हैं जो बड़े कॉन्करर भी रहे हो और साथ ही साथ बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी रहे हो। ऐसे ही एक रूलर समुद्रगुप्त रहे थे जो बहुत अच्छे वीणा वादक माने जाते थे, क्योंकि उनके इस तरह के सिक्के मिंट किए गए थे, तो जरूर वो वीणा बजाते होंगे, इसीलिए इस तरह के सिक्के मिंट किए गए थे। अगला इनका सिक्का मिलता है किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन। ऐसे सिक्के भी इशू किए गए जहां पे रूलर के साथ साथ उनकी क्वीन को भी इक्वल स्टेटस और रिस्पेक्ट दिया जाता दिखाई दे रहा था। और फिर हमको मिलता है इनका एक और खास तरह का कॉइन, टाइगर स्लेयर टाइप ऑफ कॉइन, जिसे व्याघ्र हंता प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। ऐसे सिक्के जिसमें बहुत ही क्लोज रेंज से समुद्रगुप्त धनुष और बाण लेकर एक बाघ का शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समुद्रगुप्त बहुत ब्रेव थे, जो कि अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेंड लिखते हैं। और हरिशेंड ये भी बताते हैं कि समुद्रगुप्त बहुत हैंडसम थे और उनकी हैंडसमनेस के बारे में बात करते हुए उनके रूप रंग या उनकी पर्सनालिटी की बात नहीं करता है। हरिशेंड बोलता है कि मेरे राजा के शरीर पे बहुत सारे घाव हैं और ये घाव ही उनकी सुंदरता है। द वूंड्स आर द ब्यूटी ऑफ अ वॉरियर, एक योद्धा का श्रृंगार उसके शरीर पर लगे हुए घाव हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में, यही क्षत्रिय ट्रेडिशन हुआ करता था। तो बहुत सारी तारीफ हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में और इसीलिए तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एम्पायर कायम करते हैं नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में भी अपना झंडा गाड़ के आते हैं, कहां तक, कांची तक, जो कि है प्रेजेंट डे तमिलनाडु में, जहां पे वो एक विष्णु गोप नाम के रूलर को डिफीट करते हैं। और इस तरह से समुद्रगुप्त एक बार फिर मौर्यंस के बाद पहली बार एक ऐसा रूलर आता है भारत में जो उत्तर से लेके दक्षिण तक के इलाकों में कॉन्क्वेस्ट करता है। लेकिन गुप्तास की ग्लोरी की ये कहानी यही नहीं रुकती है, इससे आगे बढ़ती है।
और फिर हम देखते हैं 375 एडी में समुद्रगुप्त की डेथ के बाद। एक बार पहले देखिए जरा हम समुद्रगुप्त का एम्पायर कहां से कहां तक फैला हुआ हम दिखाएंगे। तो ये तो रहा मगध का इलाका, ये रही इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र, और ये इनका एम्पायर फैलता है कुछ इस तरह से फैलते हुए प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब के हिस्सों से होता हुआ, राजस्थान के ईस्टर्न हिस्सों से होता हुआ, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और फिर ये हिस्सा चला जाता है यहां बंगाल। इतना इनका एम्पायर था, क्योंकि साउथ इंडिया इन्होंने कॉन्कर कर लिया था पर एनेक्स नहीं किया था, इसीलिए उसको हम इस नक्शे में शो नहीं कर रहे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उसको ऐड करें इस नक्शे में तो हम देखेंगे कि साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट जो इन्होंने करी थी ये उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़कर करी थी, और इस तरह से इन्होंने तमिलनाडु के इलाके तक इस पूरे कोस्टल इलाके को कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। इस तरह ये हरे पार्ट में दर्शाया गया नक्शा वो है जो इनकी साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट थी, जो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल के कोस्ट की तरफ के आगे बढ़े थे। लेकिन जो रेड आउटलाइन में दर्शाया गया मैप है वो दिखाता है उन टेरिटरीज को जिसको इन्होंने डायरेक्टली कॉन्कर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले रूलर की तरफ, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारा इंडिया था जो जीतने के लिए इनके पास था। ये सेंट्रल इंडिया का इलाका बचा हुआ था, वेस्टर्न इंडिया में अभी भी सीथियंस बहुत स्ट्रांग थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, गुप्तास क्या ये इलाका जीत पाते हैं या नहीं। और फिर इसी सवाल के बीच में नाम आता है चंद्रगुप्त सेकंड का, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो जरा देखते हैं कि ये कौन थे और किस तरह रूल करते हैं और क्या समुद्रगुप्त की लीगेसी को आगे बढ़ाते। तो सबसे पहली बात तो ये, आप अगर एक चीज आपने ध्यान दी हो तो आप देखोगे कि समुद्रगुप्त के रूल का एंड हो गया 375 AD, और चंद्रगुप्त के रूल की शुरुआत होती है 380 AD में। 5 साल क्या हुआ, क्या वैकेशन पे चले गए थे सब लोग 5 साल के लिए? तो ऐसा हो नहीं सकता। इन 5 सालों में एक रूलर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, उस रूलर का नाम है रामगुप्त। नाम से ही समझ में आ रहा है ये इसी फैमिली का रूलर था। जी हाँ, ये समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, ये क्राउन प्रिंस था, ये युवराज था और इस चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। लेकिन ये एक केपेबल रूलर नहीं था और इसीलिए चंद्रगुप्त ने इसका असैसिनेशन कर दिया, और इसके असैसिनेशन के बाद में चंद्रगुप्त खुद एक रूलर बन गए। तो वो 5 साल का फेज जो मिसिंग था पिछले रूलर और इस रूलर में, दैट गोज टू रामगुप्त। ये 5 ईयर्स तक रूल करते हैं, लेकिन केपेबल रूलर साबित नहीं होते और बहुत ट्रेजेडी होती है इनके साथ में। ये सीथियंस के हाथों डिफीट हो जाते, सीथियंस को ये जीतने गए थे लेकिन सीथियंस के हाथों इनको डिफीट का सामना करना पड़ता है। सीथियंस इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते हैं, युद्ध बंदी बना लेते हैं, और उसके बाद सीथियंस ये डिमांड करते हैं कि रामगुप्त की वाइफ ध्रुव स्वामिनी को उनके हवाले किया जाएगा, तब वो रामगुप्त को छोड़ेंगे, जिसके लिए रामगुप्त अग्री कर जाते हैं। लेकिन तब चंद्रगुप्त ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, और वो एक प्लानिंग के तहत सीथियन कैंप में अटैक करके अपने भाई को छुड़ा लेते, उनको छुड़ा के वापस ले आते। इस तरह से गुप्तास की इज्जत वो बचा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ये कहने लगते हैं कि अगर रामगुप्त अपने आप को ही नहीं बचा सकता तो फिर वो पूरे कंट्री को कैसे रूल करेगा, इतने बड़े एम्पायर को कैसे रूल करेगा। और इसीलिए चंद्रगुप्त को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उनको रामगुप्त को थ्रोन से हटाना पड़ता है, और उसका शायद उस जमाने में एक ही तरीका होता था, पॉलिटिकल असैसिनेशन यानी राजनीतिक हत्या। और वो राजनीतिक हत्या करते हैं और उसके बाद रूलर बनते हैं, और ये सारी प्रोसेस में 5 साल लगते हैं, इसीलिए इनकी रूल की शुरुआत 380 AD से मानी जाती है। और ये जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई, ये स्टोरी हमको एक लिटरेचर में पता चलती है, वो लिटरेचर है देवी चंद्र गुप्तम।
इस लिटरेचर के बारे में आगे और भी मैं बात कर लूंगा आपसे, पहले हम चंद्रगुप्त के अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अब क्योंकि चंद्रगुप्त रूलर बन गए हैं तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहला पॉइंट स्पीक्स इन वॉल्यूम फॉर इट्स हिमसेल्फ, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का और भारत का ये एक महानतम रूलर था। Suppressed all the rebellions. जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई थी और रामगुप्त जैसा एक वीक रूलर सक्सीड करता है एम्पायर में, तो जितना इलाका जीता था समुद्रगुप्त ने, जितने सबॉर्डिनेशन में रूलर्स इस इलाके में थे, उनमें से बहुत सारे रूलर्स ने टैक्सेस देना बंद कर दिए, रेबेलियन कर दिया कि हम नहीं मानते पाटलिपुत्र की ओवरलॉर्डशिप को। और इसीलिए चंद्रगुप्त जब रूलर बना तो उसके सामने टास्क था ऐसे कई रेबेल रूलर्स को वापस गुप्तास की सुप्रीमेसी ओवरलॉर्डशिप के अंडर में लेके आना। और इसीलिए 380 एडी से लेके 390 एडी के बीच में इन्होंने कई कैंपेन्स किए नॉर्दर्न इंडिया में और कई रेबेलियस रूलर्स को डिफीट करके वापस गुप्ता एम्पायर का सप्रेशन में लेके आए, अपनी ओवरलॉर्डशिप में लेके आए। फिर इसी को करने के लिए इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, मैट्रिमोनियल अलायंस विद नागा डायनेस्टी। जब इनको नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट करने थे तो उनको कुछ ऐसे किंगडम्स चाहिए थे जो उनको सपोर्ट करें, जो उनके एलाइज हो, और ऐसा ही एक किंगडम उन्हें लगा फेवरेबल जिसे नागा डायनेस्टी कहा जाता है, समवेयर इन द नॉर्दर्न इंडिया। उसकी राजकुमारी कुबेर नागा से इन्होंने मैरिज किया, क्योंकि एक छोटी डायनेस्टी हुआ करती थी, इतना ज्यादा प्रेस्टीज नहीं था नागास का, इसीलिए उनकी राजकुमारी से विवाह करके नागास को बहुत सम्मान दिया चंद्रगुप्त ने, और इसीलिए नागास उनके लिए कंप्लीटली लॉयल हो गए। दुश्मन के इलाके में एक लॉयल टेरिटरी, यही चंद्रगुप्त को चाहिए थी एक मिलिट्री बेस की तरह, जिसका यूज करके वो फर्दर एक्सपेडिशन कर सके, और वही उसने किया। और इसी तरह नॉर्दर्न इंडिया के कई रेबेलियंस को उसने सप्रेस किया। और फिर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडो-सीथियंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अभी हमने बात करी थी देवी चंद्रगुप्तम लिटरेचर में हमें पता चला कि इंडो-सीथियंस ने गुप्ता रूलर रामगुप्त को डिफीट कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया, एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के दिमाग में बात थी कि अगर भारत में अपनी ओवरलॉर्डशिप एस्टैब्लिश करना है, अगर इंडिया में अपना सिक्का चलाना है, तो सीथियंस को डिफीट करना बहुत जरूरी होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये इंडो सीथियंस या वेस्टर्न सीथियंस बहुत स्ट्रांग हो गए थे प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जहां उनकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन, सदर्न राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के नॉर्दर्न इलाकों, और इन्हीं सीथियंस को हराने की कोशिश रामगुप्त ने भी करी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन चंद्रगुप्त बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में इनके ऊपर हमला करते हैं, एंड अराउंड 395 AD वर्ष ईस्वी में ये सीथियंस को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सीथियंस का रूलर उस वक्त हुआ करता था रुद्र सिम्हा द थर्ड, जिसको ये डिफीट करते हैं, प्रॉबेबली शायद उसकी हत्या भी होती है, और उसी के साथ वेस्टर्न इंडिया में सीथियन रूल का एंड हो जाता है। और इसी सीथियन रूल के एंड के साथ गुप्तास की टेरिटरी चंद्रगुप्त के दौर में वेस्टर्न इलाके में भी फैल जाती है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था चंद्रगुप्त का कि उसने वेस्टर्न इलाके में भी इस टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन इस वेस्टर्न इलाके में टेरिटरी के एक्सपेंशन के साथ कोस्टल इलाके भी इनको मिल गए थे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कोस्टल इलाकों का मिलना इसका मतलब होता है कि आप अब वेस्टर्न नेशन से होने वाले ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो, और जैसे ही आपने उस ट्रेड को कंट्रोल किया, आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया एंशिएंट टाइम से ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देता आया था, और बदले में गोल्ड सिल्वर जैसी
वैल्यूएबल कॉमोडिटीज को लेता आया था। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस कर सकते थे और फॉरिनर्स से गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में अर्न कर सकते थे, लेकिन उसको करने के लिए आपको वेस्टर्न कोस्टल इलाकों को कैप्चर करना जरूरी था। सीथियन विक्ट्री के साथ ये इलाके कंप्लीटली अब गुप्ता के कंट्रोल में आ गए थे। यहीं पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त चांदी के सिक्के चलाता है, हालांकि गुप्ता ज्यादातर सोने के सिक्के चलाते थे जिन्हें दीनार कहते थे, लेकिन यहां पे चंद्रगुप्त एक ऐसा खास रूलर है जो चांदी के सिक्के भी चलाता है जिन्हें रुपयम का भी कहते थे। और देखते हैं चंद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में। सीथियंस को डिफीट करने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहा था कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर अब चंद्रगुप्त था, और सीथियंस को डिफीट करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने ये टाइटल अज्यूम किया था विक्रम आदित्य, जिसका मतलब होता है वेलियंट एज अ सन, सूर्य की तरह वेलियंट, जिसे विक्रम आदित्य कहते थे। और साथ ही साथ हमें कालिदास और क्षेमेंद्र नाम के दो स्कॉलर्स होते। कालिदास का नाम तो सभी ने सुना है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आगे हम बात भी करेंगे उनके बारे में, लेकिन हम बात करते हैं क्षेमेंद्र की, जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है बृहत कथा मंजरी में। और ये दोनों ही स्कॉलर्स एक बात हमको बताते जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और वो बात है कि चंद्रगुप्त ने ना सिर्फ मेनलैंड इंडिया के कई रूलर्स को डिफीट करके अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, बल्कि चंद्रगुप्त ने अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के उन पावर्स को भी डिफीट किया जो पावर्स गाहे बगाहे भारत के ऊपर हमले करती रहती थी, आक्रमण करती रहती थी। देखिए भारत की इस टेरिटरी के इनकी जो टेरिटरी थी प्रेजेंट डे पंजाब, और चंद्रगुप्त के दौर में टेरिटरी थोड़ा और आगे बढ़ गई थी नॉर्थ पाकिस्तान के इलाके तक, लेकिन बहुत सारा पेरिफेरी में बहुत सारे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ ऐसे एलिमेंट्स रहते थे, ऐसी छोटी मोटी मिलिट्री पावर्स रहती थी, कम्युनिटीज रहती थी जो कि हमले करती रहती थी, और हमारे एम्पायर की पेरिफेरी में फैले हुए गांवों को या शहरों के ऊपर हमला करके उनको लूटती रहती थी। ऐसी नोटोरियस पावर्स को सबक सिखाने के लिए चंद्रगुप्त ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे इन्वेजन्स किए दुश्मन की टेरिटरी में जाके और उनको डिफीट किया। ऑब्जेक्टिव उनकी टेरिटरी जीतना नहीं था, ऑब्जेक्टिव था कि उनकी टेरिटरी में जाके उनको ऐसी मार लगा के आना कि वो कभी भारत की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत ना करें। ऐसे कुछ पावर्स थी जिनको इन्होंने डिफीट किया था, जैसे कि पार्थियंस, पहले भी बात कर चुके हम, पर्शिया से आए हुए ये लोग थे और अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान के इलाके में बसे हुए थे। वो इलाके हमेशा से बहुत नोटोरियस रहे और भारत के मेन लैंड की वेल्थ की तरफ अट्रैक्टेड होते रहे और हमले करते रहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने इनकी टेरिटरी में घुस के इनको अच्छे से ठोक दिया था। उसके बाद दूसरे कंबोज, कंबोज यहीं के लोग थे, कंबोज महाजनपद की भी हमने बात करी थी, बहुत ही वॉरियर और बहुत ही वेलियंट किस्म के लोग हुआ करते थे जो कि प्रेजेंट डे वेस्टर्न कश्मीर और कुछ नॉर्थ पाकिस्तान की टेरिटरी के इलाकों में रहते थे, लेकिन उस वक्त ये गुप्तास के एनिमीज बन गए थे और इसीलिए अपने एनिमीज को उनके इलाके में जाके डिफीट किया चंद्रगुप्त ने। तीसरे किन्नर, ये भी भारत के ही इलाके के लोग हुआ करते थे, समवेयर इन दी हिमालय, हिमालय में ये लोग रहा करते थे, कोई छोटी मोटी ट्राइब हुआ करती थी, लेकिन बहुत अच्छे आर्चर्स होते थे और ये भी लूटपाट करते रहते होंगे आसपास के शहर और गांव में आके, इसीलिए चंद्रगुप्त ने इनको भी ठिकाने लगाया। फिर बात आती है सीथियंस की, जिनकी हमने बात कर ही ली कि उनको डिसाइसिवली डिफीट किया, और डिसाइसिवली डिफीट करने के बाद दो और पावर्स के साथ इन्होंने लड़ाई करी। एक है किरात, किरात भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पावर रही है बहुत पुरानी। ये वो लोग हैं जिन्हें आज हम नॉर्थ ईस्ट या गोरखा लैंड के लोग कहते हैं, इन्हें ही एंशियंट टाइम्स में किरात कहा जाता था, और ये भी बहुत जबरदस्त वॉरियर रेस होती थी, और हो सकता है कि उस वक्त गुप्ता से इनकी
एनिमोसिटी रही हो और इसीलिए चंद्रगुप्त को जरूरी लगा हो किरातों की टेरिटरी में जाके उनको डिफीट करना, तो इन्होंने किरातों को भी डिफीट किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हंस। हमें अफगानिस्तान में एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसे हुंजा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इस हुंजा इंस्क्रिप्शन में ये बहुत क्लियरली लिखा है कि एक रूलर इंडिया का जो आगे बढ़कर आता है उस इलाके तक, अफगानिस्तान तक आता है, ऑक्सस रिवर को पार करता है और डिफीट करता है एक बार्बेरिक ट्राइब को जिन्हें हूण या इंग्लिश में हंस कहा जाता है। और हूण सबसे बड़ा थ्रेट थे इंडिया के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उस वक्त चंद्रगुप्त जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है वो डिफेंसिव ऑफेंस की होती है, यानी कि हमको करना है डिफेंस लेकिन हम उस डिफेंस को मुकम्मल करेंगे दुश्मन के ऊपर ऑफेंस करके। लड़ाई कभी भी हो तो अपने आंगन में नहीं होनी चाहिए, दुश्मन के आंगन में होनी चाहिए, इससे दुश्मन हमेशा एट अ बे रहता है। और यही सोच के साथ, इसी पॉलिसी के साथ इन्होंने हूणो के इलाके में जाके उनको, उनका सफाया तो नहीं कर दिया लेकिन उनको हम्बल डाउन कर दिया, बुरी तरह से उनके इलाके में जाके उनको हराया। और इस तरह से ये जो पेरीफेरी में होने वाले अटैक थे जिनसे इन इलाकों के लोग बहुत परेशान होते थे, उनको सुकून दिलवाया। जब मैंने कहा था कि ये गोल्डन एज है, तो मैंने ये भी कहा था कि ये गोल्डन एज इसीलिए है क्योंकि सिक्योरिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन था इंडिया। और ये क्यों था? ऐसे नहीं था कि फॉरेनर्स ने कहा कि चलो बस बहुत हो गया, अब हम हमला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। वो तो हमेशा ही करेंगे, हमें मजबूत बन के रहना होगा और इतनी बड़ी ताकत उनको दिखानी होगी जिससे डर के वो हमला ना करें। वही काम किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसीलिए इंडिया वो गोल्डन एज की तरफ आगे बढ़ पाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त के दौर में गोल्डन एज हासिल हो गया था, ट्रेड बहुत अच्छा हो गया था, फॉरेन ट्रेड कंट्रोल कर लिया था, सारे इन्वेडर्स को डिफीट कर दिया था, रेबेलियंस को क्रश कर दिया था, नई टेरिटरीज कॉन्कर कर ली थी। तो इनके दरबार में अब चारों ओर, इनके पूरे साम्राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, पैसा था, और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी, प्रश्न दिया, पैटर्नेज दिया, जिससे कि कई ग्रंथों की और ज्ञान की रचना हो सके। पर ऐसे ही 9 ज्वेल्स इनके दरबार के जो माने जाते हैं वो कौन कौन थे? सबसे पहले कालिदास। आप सभी जानते हैं कि कालिदास क्या थे? एक पोएट थे और एक बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। अमर सिंह जो कि एक ग्रामेरियन थे, संस्कृत ग्रामर के ये बहुत अच्छे विद्वान थे। वराह मिहिर जो कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोनॉमर थे। धन्वंतरी जो कि मेडिकल साइंस के लिए जाने जाते हैं। खट्टकरपरा जो कि एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे। शंकु जो कि बहुत अच्छे स्कल्पचरिस्ट थे। शप्रणक जो कि एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। वररुचि ग्रामेरियन थे लेकिन संस्कृत लैंग्वेज के नहीं, प्राकृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे, ग्रामेरियन ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। एंड बेताल भट्ट जो कि एक मैजिशियन थे, एक जादूगर थे। ये वो 9 ज्वेल्स थे जो कि चंद्रगुप्त के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब इसके बाद हम बात करें कि एस्टैब्लिश द कैपिटल एट उज्जैन। ये याद रखना होगा हमको कि इतना बड़ा एम्पायर जब हो जाता था, कल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रूलर्स एक से ज्यादा कैपिटल एस्टैब्लिश करके रखते थे, और खास तौर पे वो रूलर्स जिनके एम्पायर बहुत बड़े होते थे। और इसी तरह से चंद्रगुप्त भी एक और कैपिटल एस्टैब्लिश करते हैं उज्जैन में, जो कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश का एक एंशिएंट टाउन है और एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस सेंटर है पूरे इंडिया के अंदर। और यहाँ पे वो जो कैपिटल एस्टैब्लिश करते हैं वो उनकी कल्चरल कैपिटल थी एंड नॉट द पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल कंटिन्यूड टू बी इन पाटलिपुत्र बट द कल्चरल कैपिटल केम एट उज्जैन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट अ चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया। फायान, हिज नेम इज
बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इनका नाम, फायान एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो भारत में विजिट करते हैं और बहुत कुछ लिख के जाते उस वक्त की सोसाइटी के बारे में, उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में। और इससे हमको ये पता चलता है कि भारत की सोसाइटी बहुत, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे इंडिया की सोसाइटी के, लोग बहुत अच्छे थे, क्राइम बहुत कम होता था भारत के अंदर, और जो छोटे मोटे क्राइम होते थे उनकी कभी भी कैपिटल पनिशमेंट्स भी नहीं दी जाती थी, तो चारों ओर भारत में खुशहाली थी। जो हम गोल्डन एज कह रहे हैं गुप्ता पीरियड को, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, फॉरेन स्कॉलर्स ने भी आके इसको कंफर्म किया है अपने लिटरेचर्स के अंदर। तो अब इस गोल्डन एज में हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे अगले रूलर आते हैं जिनका नाम कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ हिज फादर, जो कुछ भी था इनके फादर की गोल्डन एज का लेगेसी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बीइंग फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि उस वक्त दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, हालांकि इस वक्त इसका एस्टैब्लिशमेंट ही हुआ था, इस दौर में इसका एस्टैब्लिशमेंट ही हुआ था, एस्टैब्लिश होते ही ये दुनिया की बेस्ट नहीं बन गई थी, ग्रेजुअली बनी थी दुनिया की बेस्ट। आने वाले कुछ 100 सालों में ये बहुत तेजी से ग्रो होती है, लेकिन इस शानदार यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कुमार गुप्त ने किया था, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में सिचुएटेड है। फॉलोड बाय दिस पॉइंट दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीन हिज एम्पायर वाज थ्रेटन्ड बाय इन्वेजन ऑफ द हंस। आखिरी दौर में इस साल और 456 एडी, इन 2 सालों के बीच में हूणों का हमला होता है गुप्तास के ऊपर। ये वही हूण है जिनको कभी घुस के मारा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अफगानिस्तान के इलाके में, लेकिन अब ये हूण अपने आप को रीग्रुप कर चुके थे और कहीं ना कहीं उनको सेंस हो गया था कोई वीकनेस आइज हो रही है गुप्ता एम्पायर के अंदर, मिलिट्री वीकनेस, और इसीलिए ये नटोरियस हूण, नटोरियस हंस हमला करते हैं भारत में और कुछ इनिशियल सक्सेस हासिल भी कर लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में। लेकिन आफ्टर सम इनिशियल सक्सेस दे वर रिपेल्ड बैक बाय हिज करेजियस सन स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त की डेथ भी हो जाती है और कुमार गुप्त की डेथ के बाद इनकी फैमिली में इंटरनल फ्यूड भी शुरू हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हैं हूण और इसी का फायदा हूण उठाते हुए आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इनका एक करेजियस बेटा था जो स्कंदगुप्त के नाम से जाना गया और वो आगे बढ़ता है और हूणों से सीधे भिड़ जाता है अपनी सेना लेके और इन नटोरियस बारबरिक हूणों को वापस पीछे धकेल देता है और इस तरह से गुप्ता एम्पायर के एब्रप्ट कोलैप्स को ये होने से बचाता है और इस तरह से इस दौर में भी ये गोल्डन एज कायम रहती है। नाउ वी विल सी द रूल ऑफ स्कंदगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त की हमको ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो हासिल होती है वो एक भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि प्रेजेंट डे गुजरात। अब इससे ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश से गुजरात तक का इलाका अभी इनके कंट्रोल में ही है, गुप्तास की सुप्रीमेसी अभी बरकरार है सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से से। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन बड़ी जबरदस्त बात करता है इनके बारे में। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ये कहता है, ये बताता, बड़ा ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देता है किस तरह से स्कंदगुप्त युद्ध में गया था, एक ऐसा युद्ध जहां पर हूण हावी हो चुके थे आर्मी, इंडियन आर्मी के सामने, वहां पर एक कमांडर की तरह स्कंदगुप्त जाता है और बहुत कूल और कंपोज होकर पूरी ताकत और बहादुरी से हूणों के उड़ते हुए तीरों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी आर्मी को मोटिवेट करता है उनसे लड़ाई करने के लिए। और इस तरह से देखते ही देखते धरती हिल जाती है जब भारतीय हमला करते हैं और हूणों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन हमको ये इंफॉर्मेशन स्कंदगुप्त के बारे में देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि इन्होंने कई बैटल्स लड़े हूणों के अगेंस्ट, एक नहीं, दो नहीं, कई बैटल्स, इनफैक्ट ऑल हिज लाइफ, ये अपनी पूरी जिंदगी जब तक का टाइम हमको इनका ज्ञात है ये हूणों से लड़ते ही रहे और हर बार इन्होंने हूणों को धूल चटाई। देखिए, भारत का बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट है,
एक भारत का बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था जब अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा था। एक भारत का बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकाटोर को डिफीट किया था। और एक बार फिर भारत का बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट हो रहा था कि वो हूण जो दुनिया में हर जगह जीतते हैं, भारत में उनको हार का सामना करना पड़ता है, वो भी एक बार नहीं कई बार लगातार। एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस अनफॉर्चुनेटली दैट ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। वो इस डायनेस्टी का आखिरी महान रूलर था। हूणों को उसने हरा तो दिया, लेकिन हूणों के रिपीटेड इन्वेजन्स ने कहीं ना कहीं गुप्ता इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और उससे भी ज्यादा नुकसान इस बात से हुआ कि गुप्तास के कस्टमर्स यानी कि इंडियंस के जो कस्टमर्स थे वो हूणों से नहीं बचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रोमन एम्पायर। हमसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन खरीदता था? रोमन एम्पायर खरीदता था। हमसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदने के बदले में सोना दे के कौन जाता था? रोमन एम्पायर के लोग जाते थे। सिल्क रूट से ट्रेड कौन करता था? रोमन एम्पायर के लोग करते थे। जब से हूण आए, इन्होंने रोमन एम्पायर के ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया और रोमन एम्पायर के ऊपर हमला करके उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा ट्रेड कमजोर पड़ा क्योंकि हमारे कस्टमर्स मारे, और इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ। ऊपर से हूण हम पर भी हमला कर रहे थे, जिसके कारण कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। अब एक तरफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो हमें फॉरेन इनकम हो रही थी वो भी कम हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकी डेथ के बाद इकोनॉमी ग्रेजुअली कोलैप्स होती है, और इस ग्रेजुअल कोलैप्स के साथ ही गुप्ता का भी ग्रेजुअल कोलैप्स होना शुरू होता है। अब गुप्तास का कोलैप्स तो फिर भी क्या होता है कि जब हाथी की डेथ भी होती है, हाथी मरता भी है तो एकदम से नहीं मरता, उसको वक्त लगता है। तो गुप्तास इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोलैप्स होते होते भी इनके माइनर रूलर्स भी 100 साल रूल कर गए और हूणों को कई और भी बैटल्स में डिफीट किया। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने आगे के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिटरेचर इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड जाना जाता है अपने लिटरेचर्स के लिए। एक से एक क्लासिक लिटरेचर्स उस दौर में लिखे गए। हम उस दौर के लिटरेचर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे। पहला द लिटरेचर ऑफ कालिदास, दूसरा अदर स्टोरीज या अदर लिटरेचर्स, और तीसरा साइंटिफिक लिटरेचर्स। ऐसे लिटरेचर्स जो साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के ऊपर बेस्ड थे। आइए एक एक करके सारे लिटरेचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कालिदास के लिटरेचर की, और कालिदास के लिटरेचर में सबसे पहला क्रिएशन उनका एज अ फ्रीलांसर, जब वो गुप्ता एम्पायर का हिस्सा नहीं थे तब उन्होंने एज अ फ्रीलांसर सबसे पहला लिटरेचर लिखा था, जिसे कहते हैं ऋतु संहार, विच मींस गार्लैंड ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं का हार, गार्लैंड ऑफ द सीजन्स। और इसमें उन्होंने क्या किया है, he has described about the beauty of Indian seasons। हमारा देश एक ऐसा देश है जो blessed है बहुत सारी natural beauties है, बहुत सारे colors से, और ये colors आते हैं, ये natural beauty आती है अलग अलग seasons से। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होती, हमारे यहाँ शरद ऋतु होती, हेमंत ऋतु होती, शिशिर होती है, वसंत होती है और ग्रीष्म होती है, और हर ऋतु का एक अलग ही फ्लेवर होता है। और इस अलग ही फ्लेवर को डिस्क्राइब किया है बहुत ब्यूटीफुली, भारत के अलग अलग ऋतुओं को डिस्क्राइब किया है कालिदास ने ऋतु संहार में। फिर दूसरा उनका लिटरेचर आता है मेघदूतम, विच इज अ लव स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन अ यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं, एक पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, मौर्यन एम्पायर वाले चैप्टर में। दे आर द डिवाइन गार्ड, स्वर्ग के पहरेदार होते हैं। तो कालिदास एक स्टोरी लिखते हैं मेघदूतम, मेघ यानी बादल, दूत यानी मैसेंजर, यानी बादलों को मैसेंजर बनाते हुए एक स्टोरी का क्रिएशन करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक यक्ष जो कि धरती पर आता है एक साल एज अ पनिशमेंट, जिसको धरती पर भेजा जाता है एक साल, ही मिस्ड हिज बिलेवड यक्षिणी,
एंड ही सेंट हिज लव मैसेजेस टू यक्षिणी. He sent his love messages to Yakshini through clouds, बादल, मेघ. बादल के थ्रू वो अपने लव मैसेजेस यक्षिणी को भेजता है और इसीलिए इस लिटरेचर में जो एक कहानी लिखी हुई है इसका नाम है मेघदूतम. Now we come to another literature, मालविका अग्निमित्र. ये स्टोरी मालविका और अग्निमित्र के बीच की लव स्टोरी की कहानी है जहां पे अग्निमित्र रूलर होता है और बेटा है पुष्यमित्र शुंग का, जो हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी. तो अग्निमित्र इज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग. और मालविका एक प्रिजनर ऑफ वॉर लड़की थी जिसको वो युद्ध में जीत के लाता है. बाद में पता चलता है कि शी वॉज द प्रिंसेस और बाद में वो उससे शादी करता है. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट मालविका एंड अग्निमित्र. Then comes one of the finest work of Kalidas. Kalidas का सबसे बेहतरीन माना गया लिटरेचर अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि लव स्टोरी है किंग दुष्यंत एंड अ ब्राह्मण गर्ल शाकुंतला. इस स्टोरी के अंदर एक श्राप के चलते दुष्यंत शाकुंतला को भूल जाता है और शकुंतला बहुत परेशान होती है. फिर किसी तरह से वापस दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है एक अंगूठी देख लेने से और वो शकुंतला को लेके जाता है. इसीलिए इस कहानी का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि रिवीलिंग ऑफ शकुंतला, रिवाइविंग द मेमोरी ऑफ शकुंतला. एक और इंपॉर्टेंट लिटरेचर कुमार संभवम, विच इज द लिटरेचर ऑफ स्टोरी ऑफ शिव एंड पार्वती. ये कहानी है जिसमें एक राक्षस होता है, वो तपस्या करता है और तपस्या करके वरदान प्राप्त करता है कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि शिव वैरागी है, कभी शादी नहीं करेंगे. लेकिन फिर ये स्टोरी होती है कि किस तरह से पार्वती और शिव मिलते हैं और फिर उनका पुत्र होता है और वो पुत्र फिर उस राक्षस का वध करता है. तो दिस स्टोरी कुमार संभवम is all about Shiv Parvati Vivah. Then comes Raghuvansham, that is a poem. Raghuvansham एक poem है, इसमें इन्होंने रघुकुल के बारे में बताया है. और इनका एक और बेहतरीन drama Vikram Urvashyam, which is the story of King Pururava and Urvashi. उर्वशी जो कि एक अप्सरा थी, उसको पुरुरवा की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र भेजता है. लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं दैट दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर और उसके बाद उर्वशी कुछ शर्तें रख के पुरुरवा के साथ यही रहने लगती है. लेकिन इंद्र अपनी माया का यूज करके उर्वशी को कंफ्यूज करता है, पुरुरवा को कंफ्यूज करता है और वो शर्तें तुड़वा देता है, जिसके चलते उर्वशी उसको छोड़ के उड़ जाती है वापस स्वर्ग की तरफ. तो एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो कि बहुत फाइन वर्क माना जाता है कालिदास का. इसके बाद हम दूसरे लिटरेचर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. मुद्रा राक्षस, इस लिटरेचर की हम पहले ही बात कर चुके हैं. इसको लिखने वाले वैशाख दत्त हैं और इसकी स्टोरी है एसोसिएशन ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त. एसोसिएशन ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त टू डिथ्रोन द नंदास, इस लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर है. वृक्षकटिकम, जिसको लिखने वाले हैं शूद्रक. एंड इट इज ऑल्सो लव स्टोरी बिटवीन वसंत सेना एंड चारुदत्त. Then comes Panchatantra, which was written by Vishnu Dutt Sharma. आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी, जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बना के इंसानों को कोई मॉरल लेसन्स दिए जाते हैं. इस तरह की जो कहानियां कंपाइल हुई है इन्हें पंचतंत्र कहते हैं.
और इसका डेरिवेशन हुआ है जातक टेल्स। ओरिजिनली जातक टेल्स की कहानियां ही पंचतंत्र के अंदर कंपाइल करी है पंडित विश्वदत्त शर्मा ने। तो याद रखना की पंचतंत्र कैसी कहानियां है जहां एनिमल के कैरेक्टर कोई मॉरल लेसन देते हैं अपनी स्टोरी से इंसानों को, और इसका डेरिवेशन हुआ है, इसको डिराइव किया है कहां से, जातक टेल से। और एक लिटरेचर और है जो भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, देवी चंद्र गुप्तम। इस लिटरेचर को भी वैशाख दत्त ने ही लिखा है, और वैशाख दत्त का ये लिटरेचर कहानी कहता है रामगुप्त चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जो हमने बात करी थी कि 375 एडी से लेकर 380 एडी के बीच में क्या हुआ था, कहां रह गए ये 5 साल। ये 5 साल हमको ये कहानी पता चलती है कि किस तरह रामगुप्त के फेलियर से ध्रुव स्वामिनी स्टेक पर लग जाती है, चंद्रगुप्त इनको बचा के लाते हैं, और बाद में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से मैरिज करते हैं। ये जो कहानी थी ये देवी चंद्रगुप्तम थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कामसूत्र विच वॉज रिटन बाय वात्स्यायन। देखिए कामसूत्र एक ऐसा लिटरेचर है जो कि इरोटिक लिटरेचर है, और एंशियंट इंडिया की सोसाइटीज में उस तरह के टैबूज नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर होते हैं। इंसान की लाइफ के हर एस्पेक्ट को इक्वल रख के ट्रीट किया जाता था और उसके एनालिसिस किया जाता था, तो इसीलिए उस इरोटिक एस्पेक्ट को भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हुए उसके ऊपर भी एक लिटरेचर का क्रिएशन हुआ जिसको कि कामसूत्र कहा गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से दूसरे ऐसे लिटरेचर्स थे जो बहुत ही खास जगह रखते हैं इंडिया के कल्चर में, इंडिया की हिस्ट्री में। कुछ ऐसे नाम भी यहाँ पर आएंगे, एक लिटरेचर जो गुप्ता पीरियड में क्रिएट हुआ था, लिटरेचर का नाम है आर्यभट्टीयम। ये नाम आपको काफी कुछ सिमिलर साउंड कर रहा होगा। जी हाँ, ये आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट जो कि पाटलिपुत्र के एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने आर्यभट्टीयम लिटरेचर में डेसिमल सिस्टम का प्रोपोगेशन किया, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी और दूसरी जियोमेट्रिक थ्योरीज भी दी, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल एटसेट्रा कैसे निकाला जाता है। उस वक्त इन्होंने इस तरह की चीजें क्रिएट कर दी थी आर्यभट्टीयम लिटरेचर के अंदर। नाउ वी फॉलो, दिस इज फॉलोड बाय ब्रह्म सिद्धांतिका। देखिए ब्रह्म सिद्धांतिका के ऑथर ब्रह्म गुप्त थे, जो अगेन एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे, इन्होंने एलजेब्रा के ऊपर बहुत वर्क किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो सुनने में बहुत फॉरेन साउंड करते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर से आए वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमको दिए, लेकिन ये सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत भारत में ही हुई थी, और पर्टिकुलरली गुप्ता एज में, क्योंकि जब चारों तरफ खुशहाली थी, हरियाली थी, सबके पेट भरे हुए थे, सबकी जेब भरी हुई थी, तो फिर ये वो वक्त होता है जब लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, थ्योरीज क्रिएट करते हैं। वरना अगर फॉरेन इन्वेजन ही होते रहे तो लोग कोई थ्योरी थोड़ी क्रिएट करेंगे, वो जान बचा के भागेंगे, भूखे मर रहे होंगे लोग तो कोई थ्योरी थोड़ी क्रिएट करेगा, वो अपने खाने का इंतजाम करने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन जब सारी चीजें बहुत अच्छी होती है किसी एम्पायर में, किसी दौर में, तो इस तरह के क्रिएशंस निकल के आते हैं सामने। एक और लिटरेचर हम देखते हैं जिसके जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका, जिसकी जिसका क्रिएशन किया था वराह मिहिर ने। वराह मिहिर एक सीथियन था, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोनोमर था। एस्ट्रोनोमर मतलब खगोल शास्त्री, नाइट स्काई की वो स्टडी किया करता था, और उस नाइट स्काई की स्टडी के बदलते हुए पैटर्न्स को एनालाइज करता था, वो
उसके बेसिस पे उन्होंने ये किताब लिखी थी पंच सिद्धांतिका, जिसके बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने उस वक्त दिए थे जो बाद में 19th सेंचुरी के मॉडर्न स्कॉलर्स ने माने थे। इनके बाद में एक और किताब आती है हर्षद पंचशिका। हर्षद पंचशिका किताब इन्हीं के बेटे ने लिखी थी जिनका नाम था पृथु यशस। पृथु यशस जो कि वराहमिहिर के ही बेटे थे, अपने फादर की तरह एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने भी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ये किताब लिखी थी हर्षद पंचशिका। नाउ कम्स आयुर्वेद। आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। बहुत सारे एक से एक मेडिकल स्कॉलर्स रहे भारत के अंदर, वैदिक पीरियड के सुश्रुत से लेके पोस्ट मॉडर्न पीरियड के चरक से लेके गुप्ता पीरियड के धन्वंतरी तक, और सभी ने इस आयुर्वेद में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इस तरह से आयुर्वेद का फाइनल कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड तक आते आते हो जाता है। जो आयुर्वेद आज आप हम देखते हैं, जो बहुत सारे वैद्यराज आयुर्वेद के आधार पर उपचार करते हैं, वो फाइनल उसका कंप्लीशन गुप्ता पीरियड तक आते आते हुआ था, जिसमें किसी एक नहीं कई स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन था वैदिक पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड के बीच तक। तो ये वो कुछ ऐसे लिटरेचर्स हमको दिखाई देते हैं। इसमें एक और लिटरेचर है अश्वशास्त्र, जो कि घोड़े के स्टडी थी। देखिए घोड़ा एक व्हीकल हुआ करता था एंशिएंट और मेडिवल इंडिया का, इसीलिए इस व्हीकल का मेंटेनेंस सही तरीके से होना बहुत जरूरी था और ये कोई मशीन नहीं था, एक एनिमल होता था, इसके अंदर लाइफ होती थी, इसीलिए इसकी स्टडी को लेकर भी एक लिटरेचर क्रिएट होता है गुप्ता पीरियड के अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर। शानदार लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड कुछ काम हुआ? तो हाँ हुआ, एक नए तरीके का आर्किटेक्चर अब हमको इंडिया में देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। भारत में मूर्तियां पूजी जाती रही, भारत में देवी देवता पूजे जाते रहे, लेकिन बहुत पुराने मंदिरों का एविडेंस हमको नहीं मिलता है। हमें जो सबसे पुराने मंदिरों का एविडेंस भारत में मिलना शुरू होता है वो गुप्ता एज से मिलना शुरू होता है। आइए देखते हैं हम गुप्ता पीरियड में हमको जो मंदिर मिलते थे वो कैसे होते थे, उनको क्या कहते थे और उनके क्या खास फीचर्स होते थे। सबसे पहले बात करें बिगिनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ऑल्सो नोन एज नगर स्टाइल या फिर इसको नागर स्टाइल भी कहा जाता है। नगरों में बनने वाले इन मंदिरों को नगर शैली के मंदिर या नागर शैली के मंदिर कहते थे, जिनकी एक खास बात थी कि अगर ये भारत है तो ये नर्मदा रिवर है और ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ का इलाका है। तो इन मंदिरों की एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ आपको नर्मदा के नॉर्दर्न इलाकों में इस तरह के शैली के मंदिर दिखेंगे, इस तरह के स्टाइल के टेंपल्स दिखेंगे राइट टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। उसके अलावा अब हम दूसरे फीचर्स देखते हैं कि किस तरह के ये मंदिर हुआ करते थे। पहला फीचर फ्लैट रूफ टेंपल्स। जैसे कि आज हम अपने कंटेम्प्रेरी टेंपल्स देखते हैं या आज से 300 400 500 साल पुराने टेंपल्स देखते हैं तो हम पाते कि उसमें शिखर होते हैं, साउथ इंडिया में जाए तो उसमें बड़े बड़े विमान होते हैं। लेकिन ये शुरुआती टेंपल्स कुछ ऐसे टेंपल हुआ करते थे जिनकी रूफ फ्लैट होती थी, जैसे कि आप इस टेंपल के अंदर भी देख सकते हो कि एकदम फ्लैट रूफ है, इसके ऊपर कोई शिखर नहीं है। दूसरा फीचर स्मॉलर इन साइज। ये टेंपल्स बहुत बड़े नहीं होते थे, जैसे कि आज हम देखते हैं या आज से 500 साल या 1000 साल पहले जो टेंपल्स बने होते थे कि आप देखो तो आपकी गर्दन टूट जाए इतने ऊंचे टेंपल्स। जो साउथ इंडिया का बृहदेश्वर टेंपल देख लो आप, देखते जाओ इतना ऊंचा टेंपल है। वैसे ऊंचे टेंपल उस वक्त नहीं बनते थे, जैसे कि आप देख सकते हो एक एवरेज साइज का ह्यूमन बींग इस टेंपल के सामने खड़ा हुआ है एंड द टेंपल इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है ये टेंपल। तो इसी तरह के छोटे साइज के टेंपल होते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लो प्लिंथ, इसकी जो नींव होती थी वो भी छोटी होती थी। अगेन आप देखोगे मंदिर में चढ़ने के लिए एक दो और तीन सीढ़ी आपने चढ़ी और मंदिर में पहुंच गए अंदर। ऐसे मंदिर आपने देखे होंगे जहां सीढ़ियां चढ़ते जाओ आप बहुत दूर तक, क्योंकि उसकी प्लिंथ बहुत ऊंची होती है। लेकिन इन मंदिरों की प्लिंथ बहुत छोटी होती थी, followed by a प्रदक्षिणा पथ। लेकिन मंदिर कितना भी छोटा क्यों ना हो,
एक प्रदक्षिणा पथ हमेशा उसके अराउंड बना हुआ रहता था, चाहे मंदिर कितना भी छोटा हो। गर्भगृह जहां पर की मेन श्राइन प्लेस्ड होता था वो भी इस टेम्पल के अंदर हमेशा मिलते थे। मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल, यहां पे हमको दो तरह के टेम्पल्स दिखाई देते हैं, एक मोनोलिथिक टेम्पल्स और एक स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। कल हमने बात करी थी मोनोलिथिक पिलर की, या दो चैप्टर पहले हमने बात करी थी मोनोलिथिक पिलर की। आखिर ये मोनोलिथिक होता क्या है? मोनो यानी कि एक, लिथिक यानी कि पत्थर, यानी कि एक ही चट्टान या पत्थर को काट के बनाया गया टेम्पल मोनोलिथिक टेम्पल कहलाता था। और स्ट्रक्चरल टेम्पल कैसे टेम्पल होते हैं? जहां पे कई पत्थरों को आपस में जोड़कर एक मंदिर बनाया जाता था। तो अर्ली गुप्ता पीरियड में या अर्ली नागर स्टाइल में हमको ये दोनों ही तरह के टेम्पल्स दिखाई देते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल्स भी और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी। जैसे कि आप इस पे देख रहे हो तो ये कि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स है जहां पे आप पत्थर के ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही अगला इंपॉर्टेंट फीचर लेस कार्विंग, यानी कि नागर स्टाइल की अर्ली टेम्पल्स या गुप्ता एज के टेम्पल्स की दीवारों पर ज्यादा नक्काशी नहीं होती थी, फ्लैट होती थी, बहुत ही कम कलाकृतियां बनाई जाती थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं गुप्ता पीरियड के टेम्पल के। और ये जो टेम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये नर्मदा रिवर के ठीक नॉर्थ में ओंकारेश्वर आइलैंड के पास में खुदाई में मिला हुआ एक टेम्पल था, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने अब बहुत ही ब्यूटिफुली प्लेस्ड और मेंटेन करके रखा है। अगर कभी आप ओंकारेश्वर विजिट करें तो उसके पीछे ही कुछ घने जंगल मंधाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ये टेम्पल दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चरल मास्टरपीस की तरफ गुप्ता पीरियड के, जिसे कहते हैं मेहरौली आयरन पिलर। जी हाँ, मेहरौली आयरन पिलर, द वंडर ऑफ मेटलर्जी। जी हाँ, गुप्ता एज के अंदर जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा था, मेटलर्जी भी पीछे नहीं छूटी थी। इनफैक्ट मेटलर्जी में तो भारत बहुत लंबे वक्त से आगे ही रहा था। और यहां पर हम देखते हैं कि गुप्ता एज में एक ऐसा पिलर बनाया जाता है जो कि आज तक टेस्ट ऑफ टाइम को पास करके बैठा हुआ। उसके ऊपर मदर नेचर की फ्यूरी भी आई सैकड़ों सालों में, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बहुत लंबा वक्त बीत गया, लेकिन इसके इस पिलर के ऊपर एक जंग भी नहीं लगी, जरा सी भी रस्टिंग नहीं आई। क्या ये वंडर ऑफ मेटलर्जी नहीं है कि 17 सालों से एक लोहे के स्तंभ के ऊपर एक जंग नहीं लगी? आप सोचो कितनी बारिश, कितनी गर्मी, कितनी ठंड और क्या क्या इस पिलर ने नहीं देख लिया। कि वंडर ऑफ द मेटलर्जी, इसके बारे में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इस पिलर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी है, उस इंस्क्रिप्शन से ये आइडेंटिफाई किया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया कोई पिलर था, जो उन्होंने किसी वैलक ट्राइब को डिफीट करने के कमेमोरेशन में बनाया था। इसका ओरिजिनल पोजीशन वहां नहीं था जहां ये आज है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल इस कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ये पिलर प्लेस्ड है, पर ये ओरिजिनली यहां पे प्लेस्ड नहीं था, इसे लाया गया। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कोई राजपूत रूलर था तोमर डायनेस्टी का, जो इस पिलर को लेके आया था दिल्ली, या कोई मुस्लिम रूलर था दिल्ली सल्तनत का, जो इस पिलर को लेके आया था दिल्ली। और कहां से? तो ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि प्रेजेंट डे विदिशा से। इस पिलर की ओरिजिनल प्लेस विदिशा हुआ करती थी, और वहां से इस पिलर को रिप्लेस किया था और दिल्ली के अंदर लाकर इसको रखा गया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में, 1739 में भारत पर एक इन्वेजन होता है, एक बार्बरिक इन्वेडर नादिर शाह दुर्रानी लुटेरा भारत के ऊपर हमला करता है और अनफॉर्चुनेटली कमजोर हो चुके मुगल्स को इजीली डिफीट करता है, दिल्ली का सैक करता है। और तभी दिल्ली का सैक करने के प्रोसेस में उसका यहां आना होता है और एक मॉस्क कॉम्प्लेक्स में हिंदू पिलर को देखकर वो बुरी तरह चिढ़ जाता है और वो ये डिसीजन लेता है कि इसको कैनन बॉल से स्ट्राइक करके उड़ाया जाए। लेकिन वो एक कैनन बॉल स्ट्राइक करने के बाद वापस पीछे हट जाता है। इसकी वजह यह होती है कि जब तोप का गोला इससे टकराता है
तोप का गोला डिफ्लेक्ट हो जाता है लेकिन ये पिलर के ऊपर इतनी सी भी आंच नहीं आती। और शायद नादिर शाह ने ये सोचा होगा कि मेरे निशाने तो लग नहीं रहे और जो लग रहे हैं तो उस पिलर को कुछ हो नहीं रहा है और उससे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए नादिर शाह ने अबैंडन कर दिया अपना इस अपने इस एम को कि वो इस पिलर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये पिलर सिर्फ टेस्ट ऑफ टाइम एंड नेचर स्टैंड नहीं किया, इसने इन्वेडर के तोप के गोले को भी झेल लिया और इसके अंदर आया भी तो क्या, एक हेयर लाइन दरार है ये इसके अंदर, सिर्फ एक हेयर लाइन दरार, वो भी एक बड़े तोप के गोले के स्ट्राइक से। और उसके बाद नादिर शाह की हिम्मत नहीं हुई कि फर्दर इसके ऊपर कोई और स्ट्राइक करे। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मेटलर्जी का नॉलेज हमारे इंडिया में डेवलप हो चुका था गुप्ता एज में। अब गुप्ता एज की लगभग सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर कॉल्ड हिमसेल्फ एज लिच्छवाय दोहित्र। नाउ अ लिटिल ट्रिकी इट बिकम्स, जब कोई संस्कृत की टर्म आ जाती है और अचानक उस टर्म के आने से हमको समझ में नहीं आता कि यार क्या हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए, लिच्छवाय दोहित्र, इसमें एक टर्म हमको थोड़ी समझ में आ रही है, वो है लिच्छवाय, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था कि लिच्छवियों से शादी हुई थी किसकी, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी हुई थी किसकी, चंद्रगुप्त की, जी हाँ चंद्रगुप्त फर्स्ट की। और क्वेश्चन कह रहा है कि किस रूलर ने अपने आप को लिच्छवाय दोहित्र कहा था, दोहित्र मतलब कि उनका नाती। तो अब लिच्छवाय किसके नाना जी थे इनमें से, चंद्रगुप्त सेकंड के थे क्या, नहीं थे, कुमारगुप्त के थे, नहीं थे, स्कंदगुप्त के भी नहीं थे, समुद्रगुप्त के फादर चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की मदर कौन थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी, और इसीलिए लिच्छवाय दोहित्र यानी लिच्छवियों के सक्सेसर उनके नाती कौन हुए, समुद्रगुप्त। तो याद रखना ये टर्म लिच्छवाय दोहित्र, समुद्रगुप्त को कहा गया है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, लिच्छवियों का नाती। नाउ ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड इन एस्टैब्लिशिंग दिस रिलेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिच्छवी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस क्लैन हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट, नाउ दिस इज रॉन्गली प्रिंटेड, दिस इज नॉट बाणभट्ट, द करेक्ट हियर इज हरिशेन। हरिशेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर, हरिशेन किस एम्परर के कोर्ट पोएट थे। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना हो तो हरिशेन किसके लिए कोर्ट पोएट होते हैं, किसकी प्रशस्ति लिखते हैं, समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड व्हेन द इन्वेजन ऑफ रोम, व्हेन द इन्वेजन वाज व्हेन द रोम वाज इन्वेडेड बाय, रोम के ऊपर किसका हमला हुआ था जिससे उनके साथ होने वाले हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा था। अगेन अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, इट इज द हंस, ये हूण थे जिनके हमले के चलते रोमन से हमारा व्यापार नष्ट हो गया था पूरी तरह से। मूविंग अहेड, ड्यूरिंग विच गुप्त रूलर चाइनीज ट्रैवलर फा यान विजिटेड इंडिया। अगेन अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है या आप नोट्स पढ़ दोगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, द आंसर इज चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके वक्त फा यान ने विजिट किया था इंडिया को और इंडिया की सोसाइटी की बहुत तारीफ करी थी, इंडिया के मॉरल स्टैंडर्ड्स की बहुत ज्यादा तारीफ करी थी, खासतौर पे सेंट्रल इंडिया की बहुत तारीफ करी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगेन अगर चैप्टर को ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। वैसे तो गुप्ता ज्यादातर जो उनके कॉइन्स थे वो दीनार कहलाते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, लेकिन रुद्र लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सीथियंस को डिफीट करने के बाद सीथियंस के चांदी के सिक्कों को रीस्ट्रक किया था अपने नाम से, और यही वो पॉइंट है जब गुप्तास के नाम पे चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, और उन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रुपयका या रुपयंका, जो आज हमारी करेंसी है रुपया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शेर शाह सूरी
ने ये रुपया इंट्रोड्यूस किया था करेंसी के तौर पे, तो बिल्कुल सही फैक्ट है ये, उन्होंने किया था। लेकिन चांदी के सिक्कों को भारत में बहुत पुराने वक्त से रुपयम का कहा जाता रहा था। ये टर्म नई नहीं थी शेरशाह सूरी के लिए भी, ये टर्म बहुत वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी चांदी के सिक्कों के लिए, और इतनी वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी कि शेरशाह सूरी ने बोला कि अब यही करेंसी होगी भारत की जो बन गई रुपया। और ये वर्ड कहां से आता है, संस्कृत के रुपयम का से आता है, जो भारत पाकिस्तान और भी कई ऐसे देशों की करेंसी को कहते हैं। Which one of the following was the biggest hoard of Gupta gold coins? जिसके हम बात करते हैं कि गुप्ता के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हमको मिलते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता के हमको कहां से मिलते हैं? The answer is Bayana. Bayana is a place in Rajasthan. राजस्थान के बयाना से एक्सकेवेशन में हमको इकट्ठे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं गुप्ता के, और इसीलिए सबसे ज्यादा कॉइन उनके हमको कहां से मिलते हैं, बयाना से। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। जय हिंद।